राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों का आज जालौर महंगाई राहत शिविर प्रभारी सुमेर सिंह राजपुरोहित ने बाकरा, सायला, वीराना आदि शिविरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे साथ है सुमेर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। जी सुमेर सिंह जी, बताएं आज आपने शिविरों का निरीक्षण किया, व्यवस्था देखी, कैसी व्यवस्था रही और आपने क्या जानकारी दी? देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, इसमें आम आदमी, आम गरीब तक फायदा कैसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है, उनकी ये सोच है, उनकी इच्छा है कि हर गरीब गांव ढाणी में अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को फायदा मिले। इसलिए गांव-गांव हर वार्ड वाइज, पंचायत वाइज शिविर लगाए जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसके लिए अभी सारी व्यवस्थाएँ माकूल व्यवस्थाएँ, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, इसके लिए जो संचालित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएँ, ये हमारी मुख्यमंत्री जी की भावना है। आप गौसेवा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो गायों को लेकर क्या योजना चल रही है अभी गौशाला को लेकर? गौशालाओं को लेकर देखिए, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनुदान गौशालाओं को दिया जा रहा है। पहले 3 महीने था, फिर 9 महीने किया, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के, पिछले साल गोपालकों का सम्मेलन हुआ जयपुर में, उसमें बढ़ा करके 9 महीने कर दिया है, जिससे आम गौशाला, गरीब गौशालाओं को फ़ायदा मिला है, जहाँ भामाशाहों का सहयोग नहीं था आप उसमें फ़ायदा मिला है। तीसरा, 3 प्रकार की नंदीशालाओं की स्कीम शुरू की है, जिला स्तरीय नंदीशाला, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला और ग्राम पंचायत स्तरीय नंदीशाला या पशु आश्रय स्थल, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। जिला स्तरीय नंदीशाला करीब 17 जिलों में बनकर तैयार हो चुकी है। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला करीब 19 नंदीशाला जो बन चुकी है, तैयार हो, टेंडर हो चुके हैं, उसके लिए 45 नंदीशालाएँ तैयार हो चुकी हैं। और पंचायत समिति पशु आश्रय स्थल है, वो जो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की है, उसमें 15 दिसंबर तक हमें 1500 पंचायत मुख्यालयों पे ये पंचायत स्तरीय नंदीशाला पशु आश्रय स्थल खोलने का टारगेट है। इससे नंदीशालाओं में, पशु आश्रय स्थलों में पूरे वर्ष भर अनुदान देने की घोषणा की है, जिससे कि नंदीशालाओं में वर्ष भर अनुदान मिले, बाकी गौशालाओं को 9 महीने मिलता है, नंदीशालाओं का पूरा वर्ष भर अनुदान मिले। ये थे हमारे साथ गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी राजपूत। इन्होंने बताया कि आज मैंने सायला, वीराना, बाकरा, उम्मीदाबाद सहित महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन भी किया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार की जो भी योजना है उनका प्रसार प्रसार कर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन करवाने की भी बात कही। वहीं गौशालाओं को लेकर भी कही कि अभी गौशालाओं में 9 महीने तक अनुदान मिल रहा है, वहीं नंदीशालाओं में 12 महीने तक अनुदान मिलेगा। कैमरामैन रमेश सुंदेसा के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सायला, जालौर।